माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। हिमालय के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। कहते हैं भगवान शिव ने देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। देवी की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य आठ दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के नौवें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई इतना कठिन तप ना कर सके तो अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। माँ की आराधना के लिए इस श्लोक का प्रयोग होता है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करने का नियम है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ जानकारियां भी मिली होंगी। अगर हाँ तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अधिक जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। अगर आपको लगता है कुछ जानकारी जो रह गई है या कुछ ऐसा जो छूट गया है तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।